देखिए 50 साल पहले फिल्म दूर गगन की छाव में शुरू हुई थी, एंड ऑफ द 60s, और अभी सबसे अच्छी बात तो ये है कि डीवीडी फॉर्मेट में और वीसीडी फॉर्मेट में आफ्टर 48-50 ईयर फिल्म इज रिलीजिंग बोथ द फिल्म्स, तो बहुत खुशी की बात है। दिस इज द मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है, उनके सैकड़ों हजारों चाहने वालों के लिए बहुत खुशी की बात है। इट्स मेरे हिसाब से इट्स अ स्वीट गिफ्ट फ्रॉम द गंगुलीज एंड फ्रॉम माय फादर, यू नो, तो ये बहुत अच्छी बात है। और श्रद्धा वीडियो जो ये रिलीज कर रहे हैं, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया और इसको जो रिस्टोर किया, क्लीनिंग हुए, इसको काफ़ी वक्त लगा, 3-4 महीने लगे, काफ़ी पुरानी फिल्म है, तो आई एम वेरी हैप्पी, हम सब को बहुत खुश हैं। बात यह है कि ये फिल्म तो हमने बहुत पहले देखी थी, तब तो मेरी शादी नहीं हुई थी, इसके गाने स्टोरी बहुत ही मतलब सभी को बहुत अच्छी लगी थी फिल्म, और अब इतने सालों बाद रिलीज हो रही है। इसमें मुझे बहुत कुछ उनके साथ रहने के बाद लगा कि उन्होंने वैसे ही बनाई जैसे उनकी नेचर थी, वो खुद थे, तो अब तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को भी उनका एक अलग पहलू देखने को मिलेगा। ये सब का मेरा भी था, लीना जी का भी था कि कुछ करना चाहिए। फिर उसके अलावा मुझे काफ़ी फीडबैक मिल रहे थे फ्रॉम माई फादर्स फॉलोअर्स एंड एवरीवन के वेर इज़ दैट पिक्चर, वेर इज़ दैट पिक्चर, दूर गगन की छाँव में, दूर कर आई, दोज टू फिल्म्स। तो ये मुझे काफ़ी ईमेल में, मुझे मेरे भाई बहुत एक्सपर्ट हैं, मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ इसमें, यही उसके बोले ये दो पिक्चर क्यों नहीं बाहर आ रही, तो मैंने कहा ठीक है करते हैं कुछ। क्यों नहीं होंगे, आज जो कुछ भी मसाला, जो कुछ भी चाहिए, टेक्नोलॉजी, सब कुछ तो मिल रहा है लोगों को, बल्कि ज़्यादा ही मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि कोई इंसान ऐसा नहीं जिसके अंदर दिल नहीं है या फीलिंग्स नहीं है, या बच्चे के लिए, अपनी माँ के लिए, फादर के लिए, तो मुझे यही लगता है कि ये तो हमेशा रहेगी, भले दुनिया जितनी भी आगे बढ़े, लेकिन इंसान मशीन का पुर्जा बन के नहीं जिएगा, उसके अंदर ये सारे भाव होंगे ज़रूर, और वो पहचानेंगे, बल्कि उनको कुछ आज की पीढ़ी के लिए अच्छा भी है, पिता क्या है, बच्चा क्या है, उनकी आपस में मतलब क्या दुख है, और परिवार का जब टूटता है परिवार, बहुत ही अच्छा, मुझे तो बार बार देखती हूँ मैं जी। ये श्रद्धा वीडियो ने किया, उन्होंने इनिशिएटिव लेके मद्रास में भेजा उनको प्रिंट्स को, और वहाँ से पूरा रिस्टोर हुआ डिजिटली। नाउ इट्स, मैं कल देख रहा था पिक्चर रात को अकेले बैठ के, उनके ओनर टीकू जी देखे गए थे मुझे, तो मुझे सब याद आ रहा था, आई वॉज गोइंग बैक, और बड़ा अच्छा, मतलब ऐसा लग रहा था कि एकदम नया तो नहीं बोलूंगा पिक्चर, लेकिन 100% 90% इट वॉज क्लियर।